हेलो हाय एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके पर्सन का करंट फीलिंग क्या है, हमेशा की तरह लेके आई हूँ आपके लिए कि पर्सन का करंट फीलिंग क्या है। बहुत लोगों का मैक्सिमम रिक्वेस्ट आ रहा है, आप कार्यकारण फीलिंग के ऊपर ही बनाइए, उसमें आपका सब कुछ कवर करता है। मगर ऐसा नहीं होगा, इस वीक ऐसा बनाऊंगी, इसके बाद मैं अल्टरनेट करके बनाऊंगी, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक रिलेटेड टू आपके पर्सन बनाऊंगी, मगर बहुत सारा चीज जानना है, बस क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारा चीज होता है। अभी का एनर्जी एक्सट्रीमली अप डाउन है, आप खुद के लिए भी देख रहे हो कि कितना एनर्जी आपका चेंज हो रहा है, तो उनका भी तो ये हो रहा है। जानने के लिए आज का कैंडल वैक्स रीडिंग, आपके पर्सन का करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आज का पूरा जो रीडिंग है, मैं टोटली सरेंडर करती हूँ डिवाइन से, जो भी डायरेक्शन होगा उसके ही रीडिंग आप लोग तक पहुंचे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन का करंट फीलिंग आपके लिए क्या है? बाहर से थोड़ा सा डिजिट दिखाने का कोशिश कर रहे हैं इस मोमेंट पे आपके पर्सन, सब कुछ अंदर रखने का एक एनर्जी है। अंदर में जो भी हो रहा है, बाहर एंड अंदर दोनों अलग अलग रूप में है आपके पर्सन। कोई काम पे बहुत ज्यादा बिजी इस मोमेंट पे, अदरवाइज फ्रेंड्स पे बिजी, रिलेटिव्स पे बिजी, अदरवाइज बहुत सारा काम पे बिजी। दिल में आपके लिए बिल्कुल चाहत है, आपसे मिलने का इच्छा है, मगर इस मोमेंट पे वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। बहुत सारा चीज में डिस्ट्रैक्टेड है इस मोमेंट पे, जो एनर्जी दिख रहा है बहुत सारा एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड है। लॉजिकली सोच रहा है कि इस मोमेंट पे आपके साथ बात करने से, आपके साथ मिलने से क्या क्या इनके सामने प्रॉब्लम आ सकता है, इमोशनली या बाहर की जगह से। वो थोड़ा सा टाइम मांग रहा है, अभी का जो एनर्जी है थोड़ा सा टाइम मांग रहा है। वो चाहते है आपसे मिलना, वो बिल्कुल चाहते हैं आपसे मिलना, मगर अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से मैं आज आपके पर्सन को बहुत लॉजिकल देख रही हूँ इस मोमेंट पे, आपके पर्सन को मैं बहुत लॉजिकल देख रही हूँ, जिसमें बहुत लॉजिकल देख रही हूँ जिसमें इनके अंदर जो भी इमोशन है आपको, मगर ये बाहर की प्रॉब्लम को सुलटाने के लिए ज्यादा रेडी है। जो भी एनर्जी है, जो भी है, अगर इनका घर से शादी के लिए प्रोपोज कर रहा है, या ऐसा हो कि वो कोई काम पे बिजी है, ऐसा हो कि वो कोई थर्ड पार्टी इशू में बिजी है, तो पहले उस चीज को सुलटाने के लिए, एक जगह में उसको एक्साइट करने के लिए, वो चीज करने के लिए रेडी हो रहा है आपके लिए। बिल्कुल सोचता है आपके लिए, रात को बहुत सोचते है ये पर्सन, रात को ये बहुत ज्यादा सोचता है, कभी कभी रो भी सकता है आपके पर्सन। ऐसा है कि रात को इनको अंदर इतना गिल्ट, इतना एंग्जाइटी पैदा होता है सिचुएशन से, आपसे दूरी, ये कभी कभी इनका आंसू भी आ जाता है, इस टाइप का एनर्जी है। मगर सुबह उठ के ही ये स्ट्रांग बन जाएगा, अभी का एनर्जी ऐसा है, मतलब बनना ही है, इनके और कोई रास्ता नहीं है, इस टाइप का एनर्जी है। मिस कर रहा है आपको, बहुत मिस कर रहा है आपको, मिलने का इच्छा हो रहा है, मगर इस मोमेंट पे वो अपना इच्छा को दबा रहा है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस मोमेंट पे उनका काम या सिचुएशन। कुछ सिचुएशन से डर भी है कि ये सिचुएशन मेरा कोई प्रॉब्लम का कारण ना बन जाए, इसीलिए सोच समझ के काम लेना ज्यादा पसंद करता है। ये रात को आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपसे बहुत, मगर इनकी जिंदगी में इतना ज्यादा सो मेनी थिंग्स है, वो बहुत लॉजिकली सोच रहा है चीज को, आपकी तरह हवा में भस नहीं रहा है, ये फ्लो नहीं हो रहा है,
ये बहुत ज्यादा लॉजिकली सोच रहा है चीज को। कोई चीज में थोड़ा सा हर्ट है आपका, कोई बिहेवियर से हो सकता है, अगर आप लॉन्ग डे नो कॉन्टेक्ट हो तो कोई ना कोई पुराना याद कुछ तो आया है जिसमें ये हार्ट फील कर रहा है। इनका एनर्जी कहीं ना कहीं से एक हार्ट फीलिंग लेके आ रहा है, क्योंकि मिलने का भी इच्छा हो रहा है, फिर सिचुएशन ऐसा है, जोर जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है ये पर्सन, खाली खुद के साथ खुद का फाइट कर रहा है आपके पर्सन, ये एनर्जी दिख रहा है। खुद के साथ खुद का फाइट का एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है। मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं उनके लिए प्यार क्या है, उनके लिए प्यार सोच तो रहा है, इज ही और शी इज ट्रू फॉर यू। हंड्रेड परसेंट ट्रू फॉर यू, बट ये ट्रूथ जो है इससे ये भागना चाह रहा है इस मोमेंट पे, ये ट्रूथ से भागने का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। 100% ट्रू, ठीक। आपको छोड़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं है इनका, ये मिस भी कर रहा है, ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, मगर इस मोमेंट पे ना ये काम को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, ये सिचुएशन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। अब मत सोचिए ये दोस्तों के साथ खूब फन कर रहा है, चिल कर रहा है, इसके मतलब ये मुझे छोड़ के वहां पे चिल कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं से आपसे दूर रहना चाहते हैं, इसीलिए हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कितना दूर तक मैं इनको कमिटमेंट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, इस एनर्जी है। बट बहुत लोगों के लिए बहुत जल्द कमिटमेंट मिलने वाले है, ये तो अभी का एनर्जी है, बट ये डीप थिंकिंग कर रहा है इस मोमेंट को, इसीलिए ये आपसे मजाक लेके चले बस जा सकते थे, थोड़ा बातचीत कर लिया, मजाक लिया, बस चला गया, ऐसा नहीं। वो सीरियसली सोच रहा है, फ्यूचर के लिए सोच रहा है, इसीलिए इमीडिएटली वो ज्यादा एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है इस मोमेंट में एक्शन लेना कहीं ना कहीं से आप दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इमोशनली हो सकता है इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाए वो चीज मेंटेन नहीं कर पाए, वो आपको दुख भी नहीं देना चाहते, ये एनर्जी है कि वो आपको दुख नहीं देना चाह रहा है, मगर वो इस मोमेंट पे आपको कमिटमेंट देने की जगह में है नहीं। बहुत सारा क्राइसिस है आपके पर्सन की जिंदगी में, सो मेनी क्राइसिस, ऑलवेज सब क्राइसिस दिखाई नहीं देता, अंदर ही अंदर बहुत सारा वुंड है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है आप कमिटमेंट नहीं दे सकते, ऐसा भी हो सकता है वो कमिटमेंट नहीं दे सकते, ऐसा सिचुएशन है जिसमें फंसा हुआ है, या दोनों ही कमिटमेंट नहीं दे सकते, जहां पे ये डर रहा है कि ज्यादा इमोशनली अटैच होने के बाद क्या होगा। कभी आपका चुप रहना, उनको कभी कभी लग रहा है ये मेरे भूल तो नहीं गई या भूल तो नहीं गया, ये थोड़ा एनर्जी आ रहा है, मगर ये एनर्जी बिल्कुल बना के रखिए। मगर ये बहुत कॉन्फिडेंट है, दो चार बार ये दिमाग में आया फिर भी कॉन्फिडेंट है कि ये कहीं जाने वाली नहीं है या जाने वाला नहीं है। इस एनर्जी से इनको बाहर निकालिए, थोड़ा सा आप नॉर्मल रहिए, ज्यादा एनर्जी इनके पीछे मत दीजिए। यहाँ पे थोड़ा दिखा रहा है कि आप इनको, आपको थोड़ा ग्रांटेड लेने का एक जगह इनका दिमाग में चल रहा है कि मैं 5 साल बाद भी जाऊँ, 5 महीना बाद भी जाऊँ, 5 हफ्ता बाद भी जाऊँ, ये मेरे लिए वेट करेगी या करेगा। ये एनर्जी से इनको बाहर निकालिए कि आप ऐसा नहीं हो, जितना इम्पोर्टेंस उनका है उतना ही इम्पोर्टेंस आपका है, आपका भी मूड स्विंग हो सकता है। इसकी मतलब ये नहीं कहा से झगड़ा करना, मूड स्विंग दिखाना, ऐसा नहीं है, आपको और भी बैलेंस होना पड़ेगा। एनर्जी थोड़ा कम दीजिए, आपके लिए मुझे जो मैसेज मिल रहा है, मुझे जो संदेश मिल रहा है एनर्जी से कि आप थोड़ा अपने काम पे बिजी रहिए, आप बहुत ज्यादा एनर्जी इनके पीछे दे रहे हो, ये अपना काम पे ज्यादा एनर्जी दे रहा है इस मोमेंट पे आपको छोड़ के, मगर इनके मन में भी अप एंड डाउन चल रहा है आपको लेके। ऐसा नहीं आपके ऊपर गुस्सा है, बिल्कुल नहीं है, आपके ऊपर प्यार बहुत है, मगर इस मोमेंट पे इस प्यार को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। वो आएंगे बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ बहुत लोग है जिनका रियूनियन होने वाला है, आएंगे। इस मोमेंट पे वो बेस बना रहा है, ऐसा सिचुएशन ये कर रहा है जहाँ पे उनको लगे कि नहीं कोई परेशानी ना हो। अगर पेरेंट्स के साथ हो तो पेरेंट्स को मनाने का कोशिश कर रहा है या सोच रहा है कि कैसे बनाया जाए, या थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से कैसे निकाले जाए, या थर्ड पार्टी होते हुए भी मैरिड रिलेशनशिप है, बच्चे हैं, फिर भी कैसे हैंडल कर सकते हैं, कहाँ से आपको वो खुश रख सकता है, ये भी सोच रहा है, मगर इस मोमेंट पे एक्शन लेने वाले हैं, अगले कुछ दिनों में ये एक्शन लेंगे भी।
आपको पता चलेगा। कम्युनिकेशन जिन लोगों का पहले कुछ दिन पहले फटाक से हो गया था, बहुत लोग है कम्युनिकेशन थोड़ा गैप फिर से हो रहा है, और जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों के लिए फिर कम्युनिकेशन होने वाला है। डेट एंड टाइम मैं बताती हूँ कैसे, टाइम मतलब डेट मैं बताती हूँ कैसे होगा, क्या होगा, कितने दिनों में होगा। प्यार तो है, डीप प्यार है, ऐसे नहीं है मतलब डीप ऑफ हार्ट पे आप ही हो, मगर ऊपर ऊपर जो है खाली प्रॉब्लम एंड ऑल बहुत सारा चीज में ये फंसा हुआ है। ठीक है, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, वो आपको यही बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं कि हम, मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ कि हम दोनों में क्या कनेक्शन है, बट इस मोमेंट पे मैं ऐसा सिचुएशन में फंसा हूँ या फंसी हूँ जिस सिचुएशन में मैं ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पड़ रही हूँ, कहीं कहीं ना कहीं से मैं तुमसे थोड़ा भाग रही हूँ। इस चीज को, मेरे इमोशन को आप समझो। ठीक है, ये एक्चुअली वो बोलना चाहते हैं आपको, आपको छोड़ के जैसे होता है ना, ये अधूरा है, ये एनर्जी है। ठीक है, तो ये था कैंडल वॉक्स के जरिए जो एनर्जी है। अभी देखेंगे टैरो कार्ड से, अभी देखेंगे टैरो कार्ड से कि क्या एनर्जी निकाल के आती है। सेम आएगा मगर फिर भी आप लोगों के लिए मैं टैरो कार्ड से देखती हूँ। अच्छा, और एक चीज तुरंत मुझे ऐसा कुछ इंडिकेशन मिला, अगर ऐसा हो आप दोनों में हस्बैंड वाइफ हो, डिवोर्स की बात चल रहा है, अब डिवोर्स की बात चल रहा है, आप लोग मेरे ये देख रहे हो, कहीं ना कहीं से आपकी पर्सन अभी का एनर्जी में चुप है, डिवोर्स रोकने का कोशिश भी करेगा, कोई भी बोले ना बोले वो दिल से नहीं चाह रहा है कि डिवोर्स हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हो रहे हो, फर्स्ट कार्ड आया है जजमेंट, डिवाइन की तरफ से, देखिए फर्स्ट कार्ड आया है जजमेंट, कोई डिवाइन की तरफ से जो भी होगा इस मोमेंट पे डिवाइन की तरफ से होगा। नेक्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ कप्स, मैंने बोला ना ये बहुत कुछ सोच समझ के काम कर रहा है, ये बहुत कुछ सोच समझ के आजू बाजू सोच के काम कर रहा है, हाँ, ये यहाँ पे बांधा हुआ सिचुएशन में है। एट ऑफ सॉर्ड्स, कोई नहीं ना कहीं से ये बांधा हुआ सिचुएशन में आपके पर्सन है। सिक्स ऑफ वांड्स, जो भी बांधा हुआ सिचुएशन में है इससे बिल्कुल ये बाहर आएंगे। सिक्स ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपको इस जगह में देखना चाह रहा है, मतलब देखते हैं एज अ क्वीन, एंड ये कहीं ना कहीं से सेल्फ लव की तरफ भी जा रहा है, पहले जो खाली सोसाइटी करती थी उससे बाहर निकल रहा है, एंड आपको एक जगह से क्वीन एबंडेंस है ऐसा जगह से आपको देखते हैं, एंड एक बैलेंस बिल्कुल आएगा डिवाइन की तरफ से आएगा, ये बैलेंस ये खुद नहीं कर पा रहा है, ये बंदा बैलेंस खाली प्रॉब्लम में फंसा है, इस बार जो होगा डिवाइन की तरफ से होगा। हो सकता है ये बहुत कार्मिक बॉन्ड कट, मैंने बोला ना टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जागलिंग चल रहा है इनके दिमाग में, एंड एज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं से लगता है सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा, दुखी एनर्जी, ये टाइप का एनर्जी है, बाधा हुआ एनर्जी, मगर ये बाधा निकलेंगे क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स के बाद सिक्स ऑफ वांड्स आया है। ठीक है, विजय तो होंगे ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके लिए बहुत प्यार है, सब कुछ है, मगर होते हुए भी इनके पास कैपेसिटी भी है, मगर इनका होते हुए भी एक बाधा हुआ सिचुएशन में तो ये बिल्कुल है, इसीलिए कहीं ना कहीं से हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन में है, कोई थर्ड पार्टी इशू बट जो भी हो हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन में आपके पर्सन अभी है। आपके लिए बहुत अट्रैक्शन भी फील कर रहा है क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, मगर बहुत बोल्डली बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहा है। ठीक है ना, इनका जो डिसीजन है बहुत सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है, आपके लिए एक्सट्रीम एक एस ऑफ सॉर्ड्स, ये वो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सोच समझ के आगे जा रहा है, आगे बिल्कुल जाएंगे भी। स्ट्रेंथ कार्ड ऑलवेज शोइंग कि आके आपके पास बिल्कुल सरेंडर करेंगे। 8 डेज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम, 8 आवर्स, 8 डेज, 6 to 8 डेज,
और आवर्स और मिनट जो भी हो, आवर्स एंड डे को मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए वीक्स हो सकते हैं, किसी किसी के लिए मंथ हो सकता है, मगर ओवरऑल एनर्जी क्योंकि करंट है एंड करंट का उनका जो चल रहा है ये मैंने बोला, तो ओवरऑल एनर्जी में 6 to 8 days डिपेंडिंग ऑन योर कितना ब्लॉकेज है, 6 to 8 hours, 6 to 8 days, 6 to 8 weeks, इसके अंदर आप लोगों का बिल्कुल बातचीत होना, बातचीत सिर्फ नहीं, यहाँ पे मुझे सरेंडर करना है, एक सरेंडर इन द सेंस एक रियूनियन का एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है, मिलना, क्योंकि जजमेंट डिवाइन की तरफ से होगा, ये बंदा खुद ही इतना कंफ्यूज है, बहुत सोच समझ के आगे आ रहा है, तो जजमेंट की होगा, मतलब इनका डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिलेगा तभी एक्चुअली आगे आएंगे, इच्छा तो है मगर सिचुएशन में जगलिंग कर रहा है, ठीक है। देखिए ऑल साइंस है यहाँ पे, आर्ट साइन, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन सभी है, कलेक्टिव रीडिंग है, सब साइन है, सो ओवरऑल इसको मैं ज्यादा, आर्ट साइन बहुत इम्पोर्टेंट ज्यादा है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कलेक्टिवली, बाकी सभी है, ठीक है। इस मोमेंट में प्यार होते हुए भी इस चीज में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब सोचते सोचते ज्यादा जगलिंग कर रहा है, ये एनर्जी में एक्चुअली आपकी पर्सन है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से बैलेंस आएगी, ये खाली डे ड्रीम देखते हैं, अट्रैक्टेड हो रहा है, एक्शन में कमी, मगर ये डिवाइन की तरफ से धक्का दे के इनको ये कराया जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी में एक्चुअली आपकी पर्सन है, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, बहुत स्ट्रांग रहिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, जो भी नेचर के साथ संबंध बना के रखिए, देखिए आपका एनर्जी कितना, फ्रिक्वेंसी कितना हाई होगा, ठीक है। सो आप लोगों को अच्छा से समझिए इस रीडिंग को, और कोई भी सर्विसेज चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल डिटेल है, जहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज डोंट कॉल रीडिंग के टाइम में, हम लोग बात करेंगे जब इंक्वायरी के टाइम में कॉल मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि रीडिंग में होती हूँ बहुत प्रॉब्लम होता है, व्हाट्सएप कीजिए, आपका जो भी इंक्वायरी है बिल्कुल हम लोग देखेंगे, और जो मैं चार्ट भेजती हूँ उसको पढ़िए, मैंने भेज दिया उसके बाद वो ही लेके क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक के बाद, मतलब पॉसिबल है हर एक का इतना आंसर देना, पढ़िए, पढ़ने के बाद जो समझ में नहीं आएगा मुझे बताना, मैं बिल्कुल बताऊंगी, ठीक है। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट के जरिए आप हम लोग एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, आपका कोई भी विश है फील फ्री टू टेल, मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ रेकी मदर से डिवाइन से सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आपका विश फुलफिल हो जाए, और उसके बाद जब आपका विश फुलफिल हो जाते हैं आप लोग मुझे बोलते हो कि मैम हो गया है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे।